की अफगानिस्तान की रैली का प्रोग्राम तब्दील। डॉक्टर फारूक सत्तार अपनी रहायशगाह से यादगार शहदा रवाना हो गए। अराकीन राबता कमेटी भी हमरा। तर्जुमान एमपीएम अमीनुल हक का बयान। एमकेएम पाकिस्तान का यादगार शहदा पर हाजिरी का प्रोग्राम। रेंजर्स और पुलिस ने अतराफ के इलाके कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए। मदनी मस्जिद और लियाकत अली खान चौक से यादगार शहदा जाने वाली सड़क मुकम्मल बंद कर दी गई। पीएसपी का डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने का फैसला। मुस्तफा कमाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सबर एमकेएम पाकिस्तान के इल्जाम का जवाब दिया जाएगा। सियासी जमातें बनाने और तोड़ने का मशगला तर्क करना होगा। वजीर रेलवे साद रफी कहते हैं परवेज मुशर्रफ को मुतबादल लीडर के तौर पर सामने लाने की कोशिश बुरी तरह नाकाम होगी। वजीर आला पंजाब की जेरे सदारत इजलास। गवर्नमेंट पंजाब रजब तैयब उर्दवान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के तौसी मंसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जनूबी पंजाब के आवाम को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतें मुयसर आएंगी। पाकिस्तान में मजहबी रसूमात अदा करने के बाद सिख यात्री भारत रवाना। सिख यात्रियों को खुसूसी ट्रेन से वाहगा बॉर्डर से रवाना किया गया। सिदीकुल फारूक ने यात्रियों को अलविदा किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। अलामा इकबाल और मुल्तान एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। रेलवे शेड्यूल थी ताखिर का शिकार। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से बारिश की पेशगोई कर दी। ऑयल टैंकर्स मालिकान का मुतालबा मंजूर। ओगरा ने किरायों में 20 से 65% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑयल टैंकर्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कारोबारी हफ्ते के अख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 371 पॉइंट्स इजाफे से 41,435 पर बंद। हफ्ते के दौरान 56,91,00,000 शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 अरब रुपए इजाफे से 8,493 अरब रुपए हो गई। चाइना पाक इक्तसादी राहदारी मंसूबे से सनअती ज़रई पैदावार में इजाफा होगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की सनअती तरक्की की शरह 7% के करीब रहने का इम्कान। और सऊदीया का ईरान पर नई आलमी पाबंदी आयद करने का मुतालबा। तेहरान दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगर्म है। सऊदी वजीर खारजा आदिल जबीर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू।